हे एवरीवन, यहाँ पे मैंने एक अपनी पुरानी नाइटी ली है हाफ एप्रन बनाने के लिए। अब इसके टॉप के योक वाले पोर्शन को मैं फोल्ड करके कट कर लूँगी। आप इस नाइटी की जगह कोई पुराना कुर्ता भी ले सकते हैं, उसे भी सेम वे इसी तरह से काट लेना है। फिलहाल ये टॉप वाला पोर्शन अभी कहीं नहीं यूज होगा। अब इसके नीचे की साइड से मैं रफली 2.5 इंच चौड़ी एक पट्टी काट रही हूँ बेल्ट के लिए, क्योंकि ये नाइटी है कुर्ते का ब्रॉडेस्ट पार्ट होता है, तो यहाँ से हमें काफ़ी लंबी बेल्ट्स मिल जाती हैं। इन्हें दोनों साइड से कट करके अलग कर लेना है। वैसे अगर आप और लंबी बेल्ट बनाना चाहते हैं तो आप इसमें और कपड़े के पीसेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसको उल्टा करते हुए हमें अंदर की साइड को बाहर ले आना है। फिर साइड्स में दोनों तरफ जो पुरानी सिलाइयाँ हो रही हैं उन्हें हमें काट के अलग कर देना है। ये हमारे किसी काम की नहीं है, हमें इस तरह से प्लेन फैब्रिक मिल जाएगा। अब सारी सलवटे अच्छे से हटाकर हमें दोनों पीसेस को एक साथ हॉरिजॉन्टली डबल फोल्ड करना है। सबसे पहले टॉप पे जो भी टेढ़ा मेढ़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे काट लेना है। फिर नीचे का जो चौड़ा पोर्शन है ना, वहाँ से हमें इसे गोलाई में काटते हुए एप्रिन की शेप देनी है। मैं इसको फ्री हैंड काट रही हूँ। अगर आप चाहो तो इसको पहले न्यूज़पेपर को डबल फोल्ड करके उस पर ड्रॉ कर लो, उसको कट कर लो, फिर उसको अपने फैब्रिक पे रख कर नीटली अपना कपड़ा काट लो। कटने के बाद मुझे फैब्रिक के 2 पीसेस मिल चुके हैं। जो अंदर की साइड है ना, वो एक्चुअली सीधी साइड है, जो कि प्रिंट देख कर भी पता लग रहा है। अब इसके चारों तरफ मुझे एक सिलाई लगानी है, लेकिन उससे पहले मैं अपनी बेल्ट रेडी करूंगी। अब इस पट्टी की एक साइड को फोल्ड करके मैं सिलाई लगाऊंगी, क्योंकि ये हमारी बेल्ट का एंड है जो कि फाइनली हैंग होगा, इसलिए ये एकदम नीट दिखाई देना चाहिए। सिलाई के बीच में आपको बार बार धागे ना काटने पड़े, उसके लिए आप बीच में छोटा सा फैब्रिक का टुकड़ा लगा सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से क्राफ्टोकरी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले नए नए वीडियोस भी आप एंजॉय कर पाए। अब मैं इसे ऊपर और नीचे दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा सा फोल्ड करके क्रीज कर लूंगी, जिससे कि सिलाई करने में आसानी हो। आप चाहो तो इसे कच्चे टांकों से भी बेल्ट को फोल्ड करके रेडी कर सकते हो, फिर फाइनली ऊपर से एक मशीन की सिलाई लगा दो। अब इसको हमें डबल फोल्ड कर लेना है। बेल्ट की चौड़ाई को आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हो, आपके पास जितना भी फैब्रिक है उसके अकॉर्डिंगली। इसका कोई भी पर्टिकुलर मेजरमेंट नहीं होता है। अब इस फोल्डेड कपड़े की किनारी पे सिलाई लगाते हुए मैं अपनी बेल्ट बनाती चली जाऊंगी। टॉप से शुरू करके मैं इसको एल शेप में कंटिन्यू करूंगी। वैसे मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि मेरी बेल्ट की चौड़ाई रफली 1 इंच है और लंबाई 34 इंचेस है। बहुत ज़्यादा चौड़ी बेल्ट भी मत बनाइए, उसको बांधने में दिक्कत आती है। ये पूरी की पूरी सिलाई हमें बेल्ट के दूसरे एंड तक कंटिन्यू करनी है। ये देखिए, बेल्ट का एक एंड एकदम नीटली क्लोज हो गया है, दूसरा एंड हमारा एप्रन के अंदर चला जाएगा, इसलिए उसकी किनारियों को फोल्ड करने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से हमें अपनी दूसरी बेल्ट भी बना लेनी है। अब इस बेल्ट को दोनों फैब्रिक्स के टॉप के बीच में इस तरह से रखना है कि ऊपर एक फिंगर की जगह छूट जाए। ये एक फिंगर की जगह हमने ऊपर वाले पोर्शन की सिलाई के लिए छोड़ी है। अब मैं इसके टॉप से सिलाई शुरू करते हुए मशीन को इसके पूरे घेरे पे घुमाती चली जाऊंगी। बस इतना ध्यान रखना है कि हमें साइड में आधा या 1.25 सेंटीमीटर जगह छोड़ते जानी है। आपको पता है, इस तरह के एप्रन्स मैं सिर्फ किचन में ही नहीं यूज़ करती, बल्कि इन्हें मैं अपने आर्ट एंड क्राफ्ट के वक्त भी पहनती हूँ। स्पेशली जब भी पेंट या ग्लू का काम करना हो तो ये हमारे कपड़ों को बहुत अच्छा प्रोटेक्शन देते हैं। इस सिलाई को हमें बिल्कुल टॉप तक नहीं ले जाना है, ऊपर एटलीस्ट 4-5 सेंटीमीटर की जगह छोड़ देनी है। अब दूसरी बेल्ट को भी दोनों पीसेस के बीच में सेम वे एक फिंगर की जगह छोड़ते हुए अटैच कर देना है। तो आपने नोटिस करा ही होगा कि मैंने दोनों साइड एक एक फिंगर की जगह सिलाई के लिए छोड़ी है बेल्ट के ऊपर के पोर्शन में। बेल्ट खिंचकर निकल ना जाए, इसलिए यहाँ पे मैं डबल सिलाई कर रही हूँ कुछ पोर्शंस में।
अब अपने एप्रन के ऊपर के पोर्शन को भी हमें सिल देना है। बस इतना ध्यान रखें कि बेल्ट सिलाई के बीच में नहीं आनी चाहिए, जो कि हमने एक फिंगर की जगह छोड़ी थी ना, बस उतनी ही सिलाई लगानी है हमें। इसलिए सिलाई करते हुए बेल्ट को एकदम अंदर की तरफ शिफ्ट कर दीजिए। ये वाली साइड में पूरी की पूरी नहीं सिलूंगी, बीच में थोड़ी सी जगह छोड़ूंगी एप्रन को पलटने के लिए। सेम वे हमें दूसरी साइड भी सिलाई लगानी है, लेकिन जो हमने बीच में जगह छोड़ी थी ना, उसको अभी हमें क्लोज नहीं करना है। ये आज का वीडियो ना मैं अपने फ्रेंड्स की डिमांड पे बना रही हूँ। कुछ फ्रेंड्स ना हमारी लाइफ में ऐसे होते हैं जो हमें हमेशा मोटिवेट और अप्रिशिएट करते रहते हैं। ये देखिए, सेंटर में मैंने चार फिंगर्स जितनी जगह बिना सिले छोड़ दी है। यहीं से मैं अपना हाथ अंदर डालकर इसको उल्टा करूंगी, मतलब अंदर वाली साइड को हमें बाहर लाना है। इस तरह से सारे सिलाई वाले पोर्शंस अंदर चले जाएंगे और नीट वाला पोर्शन बाहर आ जाएगा। देखिए, बेल्ट्स भी बाहर आ गई हैं। अब इसके ऊपर वाले पोर्शन पे भी मैं एक सिलाई लगाऊंगी, जिससे कि बीच का खुला हुआ पोर्शन भी बंद हो जाए। ये सिलाई बिल्कुल किनारी पे लगानी है हमें, क्योंकि ये सिलाई हम टॉप से लगा रहे हैं, तो इसको बिल्कुल नीटली लगाइए। आपको पता है, मार्केट में एक तो ये हाफ एप्रन्स रेयरली मिलते हैं, जो मिलते भी हैं वो सिंगल लेयर के होते हैं। घर में अगर आप बना रहे हो तो इन दो लेयर्स के बीच में एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए आप एक अस्तर की लेयर भी डाल सकते हो। ये टॉप वाली सिलाई ना मैं एप्रन के पूरे घेरे पे घुमा दूंगी। इससे एक तो दोनों पीसेस अच्छे से सेट हो जाएंगे, प्लस इसकी शेप एकदम नीटली दिखाई देने लग जाएगी। फाइनली आप इसको एक बार अच्छे से आयरन भी कर दो तो ये और अच्छे से सेट हो जाएगा। ये देखिए, इस टॉप की सिलाई की वजह से सारे एजेस कितने अच्छे से दब गए हैं और कितने नीट से दिखाई दे रहे हैं। वैसे बाई चांस अगर आप बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं हो इस टॉप वाली सिलाई के लिए, तो आप इसको स्किप कर दीजिए, इसको अच्छे से आयरन कर लीजिए, उससे भी आपके एजेस काफ़ी हद तक दब जाएंगे। ये सिलाई मैं ऊपर एंड तक करूंगी, तो इस तरह से बेल्ट पे टोटल 3 सिलाइयां लग जाएंगी, जिससे वो काफ़ी मजबूत हो जाएगी और कभी भी निकलेगी नहीं। ये देखिए, मेरा हाफ एप्रन रेडी हो चुका है। घर में पड़े पुराने डिस्कार्डेड कपड़ों से ऐसे एटलीस्ट 4-5 एप्रन्स मैं हमेशा बना के अपने किचन में रखती हूँ। ट्रस्ट मी, ये बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं। इस बेल्ट को आप कमर पे इस तरह से बांध सकते हैं। किचन में वैसे भी हमारे कपड़े मोस्टली वेस्ट के नीचे ही गंदे होते हैं, तो ये हाफ एप्रन्स काफ़ी यूजफुल साबित होते हैं। ये एक डबल साइडेड एप्रन है, तो आप इसे दोनों साइड से यूज़ कर सकते हैं। तो फिर जल्दी से आप भी अपना एप्रन बनाइए, मुझे टैग करके इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स पोस्ट करिए। टिल देन, बाय बाय, हैप्पी स्टिचिंग।